रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड ये मध्य प्रदेश में स्थित कंपनी है जो पिछले 45 सालों से लगातार किसानों की सेवाओं में लगी हुई है और चल रहा है। और स्वयं किसान भाई ने वेरीफाई किया है, बताया कि मेरे पुराने पंप से इसका पंप का पानी ज़्यादा है और हमें इसका पानी ज़्यादा मिल रहा है। प्लेट आप देख रहे हो लगी हुई है, इन प्लेटों के माध्यम से सौर ऊर्जा से हमें पावर मिलती है और उसी पावर से ये पंप चलता है। ठीक है सर, शहर में या आसपास में इसके कोई डिस्ट्रीब्यूटर है सर? जी हाँ सर, सर कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूटर और हर में सिरसा में भिवानी में और फतेहाबाद में हमारे डीलर नेटवर्क स्टार्ट हो चुका है। जिंद में हमारा डीलर नेटवर्क स्टार्ट हो सकता है, वो हो गया है। और अब आने वाले समय में हम करनाल और केथल और पानीपत में बहुत जल्दी हम आप कह रहे गवर्नमेंट उसमें भरते हैं सब्सिडी, तो जैसे किसान भाई कोई भी हो तो सर वो पहले सारा अमाउंट भरेगा, सब्सिडी बाद में मिलती है सर? नहीं, ये जो स्कीम है इसमें आपको पहले सर, जैसे ये सोलर पंप लगाए तो ये आपके खेती में लगाए सर? हाँ, मेरे खेत में लगाए। ठीक है, तो सर जैसे अभी सर बता रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं जयरामपुरा गांव में जहां पर शक्ति पंप सोलर पंप के द्वारा आज डेमो दिया जा रहा है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और आइए जानते हैं इस पंप की क्या खासियत है, इस पर सरकार क्या कुछ दे रही है, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे सर, एक बार अपने किसान भाइयों को एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मनोज पाटीदार है, मैं शक्ति पंप से आया हूं और शक्ति पंप आज यहां पर अपना लाइव डेमो का प्रोग्राम कर रही है। ठीक है सर, एक बार जो ये आपका पंप है जिसका आप ये डेमो आज दे रहे हो, और जैसे शक्ति पंप कंपनी है सर, ये किसानों के लिए कितने साल से काम कर दिया सर, जैसे एग्रीकल्चर लाइन में? शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड ये मध्य प्रदेश में स्थित कंपनी है जो पिछले 45 सालों से लगातार किसानों की सेवाओं में लगी हुई है और हर प्रकार के पंप का निर्माण करती है। अब कि 1 HP से लेके 250 HP तक का पंप का निर्माण शक्ति पंप के द्वारा किया जाता है। ठीक है सर, जो आप जिसका ये डेमो कर रहे हो, आपका जैसे ये पंप यही लगा हुआ सर? जी हाँ सर, यहाँ पे हम एक 3 HP का 30 मीटर पंप का डेमो यहाँ पे कर रहे हैं जो हमारे किसान भाई के यहाँ लगा है। यहाँ पे पहले किसी अन्य कंपनी का पंप लगा था, उसकी जगह हमने यहाँ पे हमारा शक्ति का पंप लगाया हुआ है। और आप फर्क देखिए, हमारी कंपनी का जो USP है, जो हम बताना चाहते हैं, जो हमारा पंप किसी भी पंप से 40% अधिक पानी देता है, जो हमारे किसान भाई के खेत पे आप देख सकते चल रहा है। और स्वयं किसान भाई ने वेरीफाई किया है, बताया कि मेरे पुराने पंप से इसका पंप का पानी ज़्यादा है और हमें इसका पानी ज़्यादा मिल रहा है। सर एक बार थोड़ा इसका क्या खासियत है, एक बार इसमें क्या चीज़ मोटर्स लगा हुआ, कितने HP का लगा हुआ? देखिए यहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ है, ये हमारा अभी 3 HP का सिस्टम लगा हुआ है जिसमें 9 सोलर प्लेटों का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, 9 सोलर प्लेट। हमारा सोलर पंप कंट्रोलर है जिसके माध्यम से हम पंप को चलाते हैं। पंप चलाने के लिए सोलर कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है, सोलर प्लेटें हैं और उसके साथ बोरवेल का पंप लगाया है जो इस बोरवेल में लगा हुआ है। ठीक है जी। तो सर जैसे ये सोलर है जी, तो ये मतलब इसके लिए धूप से ऑपरेट होते हैं सर? जी हाँ, ये पूर्ण तरह किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। आज के समय में जिस प्रकार से बिजली के और ईंधन के कोयले के जो रेट्स बढ़ रहे हैं, उसके लिए आगे जो भविष्य में फायदे हैं और भविष्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य प्रकाश ही है और सौर ऊर्जा ही है, इसलिए हम सौर ऊर्जा का ही उपयोग करके इस पंप को चलाते हैं। यहाँ पे जो सोलर प्लेट आप देख रहे हो लगी हुई है, इन प्लेटों के माध्यम से सौर ऊर्जा से हमें पावर मिलती है और उसी पावर से ये पंप चलता है। ठीक है सर, जैसे इसमें हम देखते हैं एग्रीकल्चर लाइन में जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी के भी प्लान चलाती रहती है, तो इसमें जैसे आपकी कंपनी है सर, इसमें कंपनी आपकी क्या सुविधा देती है? जी हमारी कंपनी सोलर स्कीम्स में काम करती है, गवर्नमेंट में काम करती है। जो किसानों को सोलर पंप दिए जाते हैं, हरियाणा सरकार और जो भी गवर्नमेंट है उसके माध्यम से किसानों को पंप दिए जाते हैं। किसानों को सोलर पंप के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी स्कीम चलाई जाती है, उसी सब्सिडी के तहत सोलर पंप लगाए जाते हैं और आज हरियाणा में बहुत सोलर पंप स्थापित हो चुके हैं, बहुत सारे पंप सब्सिडी के अंदर चल रहे हैं। ठीक है सर, यदि हम बात करें जैसे इसके डिस्ट्रीब्यूटर की, जैसे आप ये कह रहे थे जैसे एक कंपनी है सर, बेसिकली आपकी इंदौर की है, तो जैसे हमारे करनाल शहर में या आसपास में इसके कोई डिस्ट्रीब्यूटर है सर? जी हाँ सर,
सर कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूटर और अपना डीलर नेटवर्क का भी विस्तार कर रही है। अभी हमारा हिसार में, सिरसा में, भिवानी में और फतेहाबाद में हमारे डीलर नेटवर्क स्टार्ट हो चुका है। जींद में हमारा डीलर नेटवर्क स्टार्ट हो सकता है, वो हो गया है। और अब आने वाले समय में हम करनाल और केथल और पानीपत में बहुत जल्दी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई या हमारे उपभोक्ता डायरेक्ट वहाँ पे भी सोलर पंप का परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपना खेत में सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है सर, यदि इसकी गारंटी की बात करें या इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो इसका क्या कुछ रहता है सर कंपनी की तरफ से? इसमें कंपनी के माध्यम से 5 साल का वारंटी दिया जाता है। 5 साल स्कीम में जो जितने भी सोलर सिस्टम लगे हुए हैं उन सोलर सिस्टम में 5 साल की फ्री वारंटी दी जाती है। इन 5 सालों में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कंपनी उसको निःशुल्क सर्विस के माध्यम से किसान को, हमारे उपभोक्ताओं को उसकी सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो सर जैसे इसमें कुछ खराबी आ जाती है, तो जैसे आप कह रहे हो कि आसपास करनाल में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो कोई किसान भाई कंपनी से कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कैसे करेगा सर? जी सर, कंपनी ने उसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है। कंपनी ने अपना टोल फ्री नंबर 1800103555, इस नंबर पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ ही कंपनी ने अपना मिस कॉल नंबर 9179799444, ये हमारा मिस कॉल नंबर है, इस पर आप मिस कॉल कर सकते हैं। इस पर मिस कॉल करने के बाद हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपकी जो भी प्रश्न है उसका समाधान करने की कोशिश करेगी। तो सर जो इसके क्वेरीज होते हैं, मतलब जो कंप्लेंट का होता है, तो कितने दिन में मतलब सॉल्व कर देती है सर कंपनी? कंपनी इसकी जितनी जल्दी कम से प्रॉब्लम सॉल्व होने की कोशिश करती है। कंपनी ने इसके लिए 7 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय लिया है। 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी सोलर पंप का समाधान, जो भी कोई समस्या है उसका समाधान हमारी सर्विस टीम के द्वारा किया जाता है। हमारे पास यहाँ पे करनाल, केथल, पानीपत में ऑलरेडी हमारे सर्विस सेंटर वर्किंग है। यहाँ पे हमारे टेक्नीशियन वर्किंग है, जो कि यदि कोई शिकायत आती है तो किसान भाई के खेत पे जाके उन्हें 24 घंटे में अटेंड करके 7 दिनों के अंदर अंदर हमारी कंपनी का समाधान करते हैं। सर जैसे इसमें, जैसे आप ये कह रहे हो 3 HP का लगा हुआ है, तो जैसे कोई किसान भाई लेना चाहे तो एक, मतलब जैसे कोई किसान है उसमें आप सब्सिडी भी कह रहे हो, जैसे गवर्नमेंट देती रहती है, तो जैसे कोई आप कह रहे हो गवर्नमेंट उसमें भरते हैं सब्सिडी, तो जैसे किसान भाई कोई भी हो तो सर वो पहले सारा अमाउंट भरेगा, सब्सिडी बाद में मिलती है सर? नहीं, ये जो स्कीम है इसमें आपको पहले पूरा अमाउंट भरना नहीं होता है, आपको सब्सिडी के बाद जो अंश राशि बचती, जो किसान राशि बनती है वही किसानों को भरना रहता है, उसकी सब्सिडी उसको ऑलरेडी पहले से माइनस कर ली जाती है। मतलब सर जैसे आपका ये सोलर पंप है, जैसे आपका ये प्राइस जितना भी होता है, तो क्या उसमें सब्सिडी काट के किसान को उतना ही पे करना पड़ता है सर? सब्सिडी काट के किसान को उतना ही पे करना रहता है, जो उतना ही पे करना पड़ता है, अंश राशि किसान की बनती है, जो किसान का कंट्रीब्यूशन बनता है वही भरना रहता है। ठीक है, तो सर जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी है, तो क्या कंपनी भी इसमें सब्सिडी में कुछ मदद करती है सर? कंपनी इसमें, ये पूर्ण तरह से गवर्नमेंट संचालित स्कीम है, इसमें कंपनी अपने किसानों को सब्सिडी के माध्यम से पंप लगाने का, समय पर पंप लगाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन जो सब्सिडी है वो पूरी डिपार्टमेंट के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, तो सर जैसे कंपनी के तरफ से जैसे कोई किसान सब्सिडी के लिए करता है, तो क्या इसमें कंपनी किसान भाइयों की कुछ मदद करती है सर? जी हाँ सर, उसके लिए हमारी टीम है, हमारी सर्विस टीम, सपोर्ट टीम है। जो किसान यदि किसी को सब्सिडी में पंप खरीदना है या सब्सिडी के बारे में जानकारी चाहिए रहती है तो वो हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे मिस कॉल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव, हमारी टीम उसको सब्सिडी दिलाने में पूरी मदद करेगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सर जैसे इसकी रेट की बात करें, जैसे आप कह रहे हो 3 HP से 10 HP तक किसान लगा सकता है, तो मतलब आइडिया रेट की बात करें तो किसान भाई को कितना कॉस्ट पड़ जाता है? हम यदि एक मोटा मोटा अमाउंट की बात करें तो एक 10 HP सिस्टम लगाने के लिए किसान भाई को 1,40,000 से 1,50,000 के बीच में खर्च बैठता है अपना सोलर सिस्टम लगाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने आज हमें सोलर पंप्स के बारे में बताया। एक बार अपना नाम और मोबाइल नंबर बता दीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा इसके लिए। मेरा नाम मनोज पाटीदार है और मेरी कंपनी का जो मिस कॉल नंबर है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, 9179999444, ये नंबर से आप अभी भी संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कंपनी के बारे में, पंप के बारे में। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। गौतम प्रकाश, गाँव जयरामपुर, गंडोरा, डिस्ट्रिक्ट करनाल, तहसील करनाल, हरियाणा। सर जैसे ये सोलर पंप लगाए तो ये आपके खेती में लगाए सर? हाँ, मेरे खेत में लगाए। ठीक है, तो सर जैसे अभी सर बता रहे थे इसमें पहले कोई और पंप लगा हुआ था, अब ये लगाए तो ये पहले रोटोसोल कंपनी का है, इसमें लगा हुआ,
और अब ये डेमो सिस्टम लगाया है इन्होंने। अच्छा, इन्होंने डेमो सिस्टम लगाया। हाँ, आज करीब 100 आदमी हमारे यहाँ पे किसान भाई इकट्ठे हुए और सब ने देखा है पानी का प्रेशर पहले से ज्यादा है। पानी के प्रेशर पहले से ज्यादा है। मेंटेनेंस इसमें कुछ नहीं होता, खर्चा इसमें कुछ नहीं होता। अच्छा, मेंटेनेंस खर्चा कुछ नहीं होता इसमें। इससे पहले जो हम लगने से पहले सिंचाई करते थे, हमारा 1000 रुपया का डीजल एक बार में लगता था। अच्छा, 1000 का डीजल आपका इसमें लगता था, एक बार लगता था। अब इसमें आपका, हमारा एक पैसे का भी कोई खर्चा नहीं है। अब इसमें आपका एक पैसे का भी खर्च नहीं है। ठीक है, तो सर जैसे आपका ये सोलर पंप लगा है तो ये आपने कितने HP में लगवाया सर? ये 3 HP में लगवाया। अच्छा, 3 HP में लगाया। मैं सिर्फ आध एकड़ का किसान हूँ। आध एकड़ के किसान हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें ये इस पंप के बारे में थोड़ा सा बताया। धन्यवाद सर। रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।